फ्रेंड्स, मेरा नाम है फहीम शेख और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नाच कंट्रोल पैनल की ओर से। जैसे अभी मैंने इससे पहले जो दो वीडियो डाले थे उसके अंदर 5 लीटर का जार, 10 लीटर का जार बनाता, सेम मशीन के अंदर आप 5 लीटर से लेके 20 लीटर तक, यानी 5 लीटर से लेके 20 लीटर तक आप इसके अंदर ब्लो कर सकते हैं। अब इसमें अगेन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मशीनरी मैंडेटरी है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हाई प्रेशर कंप्रेसर है, इसमें आपको एक हाई प्रेशर कंप्रेसर लेना पड़ेगा और जो कंप्रेसर के अंदर जो एयर बनती है, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जिससे मॉइस्चर होता है, यानी जो एयर के अंदर जो पानी आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए एक एयर ड्रायर लगता है और एयर ड्रायर से पास होके एयर ड्राई होके सीधा ब्लोइंग यूनिट में जाती है। उसके बाद उसके अंदर एक चिलर लगेगा, चिलर वो काम करेगा जो आपके हीटिंग के जो रोलर होंगे, यानी जो हीटिंग के जो प्रीफॉर्म जहाँ पे आप होल्डर जिसके अंदर प्रीफॉर्म रखते हो वो गर्म नहीं हो जाए, ताकि आपकी नेक ख़राब ना हो, सब चीज़ों में वो कूलिंग लाइन के लिए यूज़ होगा। और जो आपका मोल्ड ओपन क्लोज हो रहा है उसके अंदर भी कूलिंग लाइन, यानी जब आपकी बॉटल बनेगी वो एकदम नेट एंड क्लीन बन के निकलेगी। आइए मैं आपको उसके बाद उसकी हीटिंग चैम्बर फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये कल हमने बनाया था, ये 10 लीटर का जो जार था वो उसका डाई है, इसके बाद ये 5 लीटर का जार का डाई है और 20 लीटर जो अभी हमने 20 लीटर का जार बनाया उसका है। और आप देख सकते हैं ये सेम मशीन के अंदर अभी ये 20 लीटर का मोल्ड लगा हुआ है, यानी इसके अंदर तीन बॉटल बने हमने। जैसे ये आपका 5 लीटर हो गया, इसके बाद ये 10 लीटर आ गया आपका और ये आपका 20 लीटर का जार, यानी एक साथ में इसमें से तीन प्रोडक्ट हमने बनाई। और अभी ये 20 लीटर कैसे मशीन में से ब्लो होता है, यानी ये जो बॉटल कैसे बनती है वो मैं आपको मेरे हैंड से चालू करके दिखाता हूँ, तो आप ये वीडियो को देखते रहिए।